दिल्ली की तरफ से आने वाले हर रास्ते पर जिस तरह से जगह जगह पर ट्रैफिक जैम है, जानबूझ करके प्रशासन ने जगह जगह पर ट्रैफिक जैम किया है, करवाया गया है। ये जो जयपुर के चारों तरफ लाखों लोगों की उपस्थिति और मोबिलाइजेशन है, ये जो राजस्थान में जिस तरह की परिस्थिति है, राजस्थान की जनता के मन में जिस तरह का आक्रोश है, राजस्थान की जनता के मन में जिस तरह का गुस्सा है, राजस्थान के जनता में जिस तरह का इस वर्तमान की सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा है, ये मात्र उसका एक पोस्टर मात्र है, ये ट्रेलर भी नहीं है। ये जो लाखों शेखावत साहब, ये इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि अब राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, 10 तारीख को प्रधानमंत्री जवाब भी देंगे, 3 दिन चर्चा चलेगी सदन में अविश्वास प्रस्ताव। उस दिन मैं आज आप मेरे नाम से लिख करके रख सकते हैं कि विपक्ष जो है वो सहन नहीं कर पाएगा, और जब हकीकत का आईना वहां दिखाया जाएगा तब भागता हुआ नजर आएगा। तो एक आखिरी सवाल और, नूह में जो हुआ है सभी के सामने है, और मेवात जो है वहाँ साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध परवान पर है, और अपने यहाँ राजस्थान में बड़ा हिस्सा पड़ता है, कई लोग तो रोजाना ऐसा आंकड़े आते हैं बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, करने की नौबत आ जाती है। देखिए, केवल मेवात का विषय नहीं है, राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से तुष्टिकरण की नीति को अपनाया और इस तुष्टिकरण की नीति को अपनाने के कारण से जिस तरह से ऐसी सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बुलंद हुए, कभी कन्हैया लाल की हत्या होती है, कभी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की बोतल में पेशाब भर दिया जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान बना देने के चलते एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, करौली में दंगे होते हैं, भीलवाड़ा में दंगे होते हैं। ये जो श्रृंखला है, ये तुष्टिकरण की इस नीति के कारण से जो लोगों के हौसले बुलंद हुए उसके कारण से है। निश्चित ही ऐसी विघटनकारी ताकतों को कठोरता के साथ में रोकने और उनके साथ में व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमसे बातचीत की है, आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद लगातार अब कुछ ही देर में मंच से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी।